हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में भारत में अक्सर बीच बीच में चर्चाएं होती रहती हैं और जिसकी जानकारी होना आप सभी के लिए ज़रूरी है। चाहे आप कोई से भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सामान्य ज्ञान या फिर जो सोशल साइंस के कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। आपसे जनरल एबिलिटी में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बात हो रही है विशेष राज्य यानी कि स्पेशल स्टेट्स, स्पेशल स्टेटस स्टेट्स के बारे में। तो क्या होता है विशेष राज्य या फिर स्पेशल स्टेटस? तो स्पेशल स्टेटस क्या होता है कि जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के बाद भारत को बहुत सारी रियासतों को मिला करके भारत को एक बनाया गया और भारत में अलग अलग राज्यों के नाम दिए गए, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या बिहार। इस तरह से सभी नाम दिए गए और धीरे धीरे करके अभी कितने राज्य हो गए भारत में? 29 राज्य हैं अभी। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि फसल या फिर औद्योगिक उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक विषमताओं के शिकार हैं और इन राज्यों में ज़्यादा दुर्गम पहाड़ी इलाके होने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण उद्योग धंधा लगाना बिल्कुल ही मुश्किल होता है। तो कुछ राज्य होते हैं इनमें बुनियादी ढांचा का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, जैसे कि आप देखेंगे कुछ बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जिनका बुनियादी ढांचा है, जहाँ पर कि उद्योग का ढांचा ले लीजिए या फिर कोई भी विकास का ढांचा ले लीजिए, जो बहुत ही कमज़ोर है, जो कि वहाँ पर बेरोजगारी की एक समस्या का बहुत ही बड़ा कारण है और आर्थिक रूप से ये राज्य बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे में इन राज्यों की जो विकास की रफ्तार है यह पिछड़ जाती है और विकास के मार्ग पर इन राज्यों को साथ लेकर चलने के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो होती है केंद्र की या जो उस समय केंद्र सरकार होती है। तो केंद्र सरकार के पास एक जो अधिकार होता है, एक विशेषाधिकार है कि इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे सके। तो जब इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाने के बाद केंद्र सरकार इन राज्यों को एक विशेष पैकेज सुविधा और यहाँ पर टैक्स में बहुत तरह की राहत देती है और इससे यहाँ पर जो निजी क्षेत्र हैं इन इलाकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और इससे इलाके के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है और उनका विकास भी थोड़ा सा बढ़ता है, विकास सुनिश्चित होता है। तो इस तरह से जो विशेष राज्य है जिसके बारे में समय समय पर डिमांड उठती है, जैसे कि पहले बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उनके सपोर्टर थे, इन लोगों ने भी डिमांड काफ़ी दिन तक उठाई थी। उसके बाद बात अभी आपने रिसेंटली देखा होगा आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना जब से विभाजित हुआ था उसके बाद ये डिमांड उठी थी और इसी तरह कभी गोवा से तो कभी राजस्थान से, इन सभी राज्यों ने उठाई है विशेष राज्य की दर्जा देने की जो अपील की है वो सरकार से की है। ये चाहते हैं कि इनके स्टेट को स्पेशल स्टेटस स्टेट बोला जाए। अभी बात करते हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा होता है इसमें शर्तें क्या होती हैं, कौन से जो राज्य हैं या कैसी जगह पर हैं या कब इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है या बात है। क्योंकि आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि विशेष राज्य का दर्जा किन राज्यों को दिया जा सकता है, तो ऐसे ही प्रत्येक राज्य उसके लिए खड़ा नहीं हो सकता। तो वे राज्य जहाँ पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हों, सबसे पहली कंडीशन क्या है, जहाँ पर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हो और जनसंख्या का घनत्व तो काफ़ी कम हो या फिर जनजाति आबादी है उसकी संख्या ज़्यादा हो। समझ गए ना आप शर्तें? एक तो क्या है, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी कि उस स्टेट की सीमा किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलनी चाहिए और वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ही कम होना चाहिए और या फिर वहाँ पर जो जनजाति है उसकी आबादी की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफ़ी कम हो, बुनियादी ढांचा का अभाव हो और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हो। अगर ये सभी शर्तें कोई राज्य पूरी कर रहा है तो वह विशेष राज्य के दर्जा देने के लिए अधिकृत है, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अभी देखते हैं कि जो विशेष राज्य का दर्जा है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे ये बात सभी के सामने आई या कैसे हमारे संविधान में या हमारे देश के लोगों के सामने इस वर्ड की उत्पत्ति हुई कि विशेष राज्य का दर्जा। तो देश की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत देश है वो पंचवर्षीय योजनाओं के सहारे अपनी विकास की गति को पकड़ता है। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1961 से 1966 और फिर 1966 से 1969 तक केंद्र के पास
राज्यों को जो अनुदान देता है केंद्र, यानी कि जो रुपया डिवाइड करता है, उसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं था कि किस बेस पर कितना रुपया किस स्टेट को डिवाइड करें। जैसे कि उत्तर प्रदेश को कितना दिया जाए, राजस्थान को कितना रुपया दिया जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था उस केंद्र सरकार के पास कि किसको कैसे कितना रुपया दिया जाए। तो 1969 में, 1969 में केंद्रीय सहायता का फॉर्मूला बनाते समय पांचवें वित्त आयोग ने गॉडगिल फॉर्मूले के अनुरूप तीन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया। तो इस बात को याद रखिए, 1969 में पहली बार तीन राज्यों को दर्जा दिया गया था, कौन से फॉर्मूले के अंतर्गत? गॉडगिल फॉर्मूला। ठीक है, तीन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कौन से राज्य थे वो? असम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर। और इन सब का आधार क्या था कि इन राज्यों का पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति और वहाँ व्याप्त सामाजिक समस्याएं। तो इन सभी बातों के आधार पर इसको, इन तीनों राज्यों को, कौन से? असम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद के वर्षों में पूर्वोत्तर के बाकी पांच राज्यों के साथ अन्य कई राज्यों को भी यह दर्जा दिया गया। पहले इन तीन स्टेट्स को, उसके बाद पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को और कुछ राज्यों को यह दर्जा दिया गया था, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बात उठ के ये आती है कि जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, इससे लाभ क्या मिलता है? जो राज्य की जो सरकारें होती हैं, राज्य की जो जनता होती है, उनको क्या लाभ मिलता है विशेष राज्य का दर्जा अगर उस राज्य को मिल जाएगा तो? तो जो एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज होती है, इनकम टैक्स एवं कॉरपोरेट टैक्स होता है, इसमें बहुत बड़ी राहत दी जाती है उस राज्य को। और केंद्रीय बजट के योजित व्यय का, जो केंद्रीय बजट जो बनता है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री जो बजट बनाते हैं, और जो बजट का जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, उसका 30% जो खर्चा होता है वो होता है विशेष दर्जा वाले राज्यों के विकास पर ही खर्चा करना होता है। तो इसलिए सभी जो राज्य हैं वो विशेष दर्जा वाले राज्य की अपील करते हैं, और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार से जो फंड मिलता है उसमें से 90% अनुदान होता है और सिर्फ 10% कर्ज होता है। तो आप देख सकते हैं कि उन राज्यों को कितना रिलैक्स रहेगा, और जो कर्ज होता है उस पर भी ब्याज नहीं लगता, और सामान्य राज्य को जो फंड मिलता है उसमें से सिर्फ 70% अनुदान होता है और बाकी 30% कर्ज होता है। तो इतना बड़ा गैप आ जाता है एक नॉर्मल राज्य में, सामान्य राज्य में, और एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य में। तो इसीलिए जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य होते हैं, जो नॉर्मल जो राज्य हैं, वो विशेष दर्जा प्राप्त करने के लिए अपील करते हैं। उन्हें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इसमें तो मिलता ही है, और जो बजट होता है उसमें 30% तक उनके लिए अलग से फिक्स किया जाता है, और जो उनको जो फंडिंग मिलती है केंद्र की तरफ से उसमें से 90% तक अनुदान होता है और सिर्फ 10% ही उनको कर्ज होता है, वो भी बिना ब्याज के। बाकी जो नॉर्मल होते हैं उनका 70% अनुदान होता है और 30% उनका कर्जा होता है, और इस पर की ब्याज भी लगता है। तो ये सब फायदे हैं जो विशेष राज्य का जिन्हें दर्जा मिलेगा। अभी देखा जाए तो विशेष दर्जा वाले राज्य हैं वो कौन से हैं? तो फिलहाल आज तक देश के जो 11 राज्य हैं उनको विशेष दर्जा मिला हुआ है। कौन से राज्य हैं? अगर आप नॉर्थ ईस्ट से चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए ये? ये सभी 7+1 की 8 राज्य हो गए ये, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। सेवन सिस्टर्स जो 7 राज्य हो गए, कौन से? अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये हो गए 7, और एक हो गया सिक्किम, और उसके बाद है जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये टोटल 11 राज्य हैं जिन्हें अभी तक विशेष दर्जा दिया गया है। 2013 में बिहार ने भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, आंध्र प्रदेश ने भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। और आंध्र प्रदेश का तर्क है कि हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनने के बाद इसे राजस्व का काफी नुकसान हुआ है। तो इस तरह से जो ये राज्य हैं उनके नाम आप एक बार देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और मिजोरम। तो ये जो 11 राज्य हैं इन्हें मिला हुआ है विशेष राज्य का दर्जा, और जो 4 राज्य हैं इनके अभी पेंडिंग चल रहा है, इनके बारे में अभी तक जो अपील की गई है, कौन से हैं? बिहार है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, राजस्थान है। तो अब आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों समझ में आ गया होगा कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, इससे क्या फायदे होते हैं, और किन लोगों को या किन राज्यों को यह मिल सकता है, कौन से राज्यों को अभी तक मिला हुआ है। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे के बारे में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो अभी आपको
मैक्सिमम इसके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कौन सी समिति है, कैसे, किस फॉर्मूले के बेस पर इसको बनाया हुआ है, मैंने ये सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ और तैयारी करने के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।